sandwich. Sada sukiro. मोटा भाभी ये लीजिए, अपने हाथों से अपने परिवार की बहुओं को इनकी धरोहर सौंप दीजिए। टोपी दिख रहा है? परिधि मीठी, बच्चों को कमरे में लेकर जाओ। जी, चल। आइए मोटा भाभी, बात करते हैं। राधा, क्या है ये सब? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी? हाँ राधा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये अन्याय है, ना इंसाफी है। मैंने 7 फेरे लेकर जिगर जी के साथ शादी की थी और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली। और मोदी परिवार ये जो संपत्ति गोपी और परिधि को बांट रहा है ना, उसमें मेरा भी हक है। हिस्सा? कौन से हिस्से की बात कर रही हो तुम राधा? मेरे परिवार को इतनी मुसीबतों में डालने के बाद परिधि की हत्या की साजिश रचने के उपरांत तुम अब भी हिस्से की बात कर रही हो? हमारा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। काकी सासु, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला, इसलिए महिला समिति के सदस्यों को अपने साथ लाई। काकी सासु, मुझे मेरा पूरा हक चाहिए, इस घर की बहू होने का हक। हक चाहिए? अभी दिलाती हूँ हक। कृपया आप लोग आ जाइए। राधा, तुमने बहुत परेशान कर लिया पुलिस को। ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट, मिस परिधि मेहता के अपहरण और हत्या की साजिश के मामले। आपने तो कहा था कि मुझे गिरफ्तार करने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर ये सब तुम समझते क्या हो अपने को? बहुत शातिर और चालाक? क्या मैं नहीं जानती कि आज सुबह से तुम मेरे घर में चोरी छिपे ताक झांक कर रही थी? परिधि और जिगर की शादी तो हम करवाना ही चाहते थे, लेकिन जब मैंने देखा अजी, आज दोपहर के लिए क्या बनाओगे? और मैंने तुम्हें खिड़की के पास देख लिया, मैंने गोपी को भी सतर्क कर दिया।
मैं अच्छी तरह से समझ गई कि तुम कोई खुराफात अवश्य करोगी। और इसीलिए मैंने सुबह सुबह तुम्हें पुलिस के हाथों में नहीं सौंपा। मैंने भी दिमाग से अच्छी तरह से सोचकर ऐसी योजना बनाई कि तुम स्वयं हमारे घर चल कर आओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वॉकी टॉकी के बारे में नहीं जानती? जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम तोलू को पत्थर मार रही हो, तभी मैं समझ गई कि अब तुम कोई नई चाल खेलोगी। गोपी, जाओ जाकर तोलू मोलू को लेकर आ। पर उसके बाद तुमने तोलू मोलू का वॉकी टॉकी चुरा लिया था और उसे कपड़ों के अंदर छिपा दिया। जब मीठी वो कपड़ों की गठरी लेकर जा रही थी तो मैंने उसे जानबूझकर रोका। ये कपड़े यहीं रख दो ताकि तुम घर के अंदर की सारी बातें अच्छी तरह से सुन सको। अने बीजी बात, मेरी गोपी घर को व्यवस्थित रखती है, वो कभी भी कपड़ों की गठरी हॉल में नहीं रखने देगी जिससे कि घर अव्यवस्थित लगे। जब मैं तुम्हारी फितरत समझ गई तो मैंने जानबूझकर ऐसा रुख मोड़ा कि तुम्हें समझ में आ जाए कि आज मोदी परिवार में क्या होने वाला है। और सबसे जरूरी बात, राधा, मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं था कि आज के शुभ दिन पर घर की बहुओं के बीच धन संपत्ति, घर की चाबी, घर की धरोहर का बंटवारा हो। लेकिन मैंने जानबूझकर ये योजना बनाई ताकि तुम खुद चल के अपने ही बनाए जाल में फंस जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।